नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और धान लग रही है, दूसरा दिन है आज। कल जैसा कि आपने देखा, हमने पहले तो सोचा था कि यार आज से पडलिंग कर पाएंगे और जो लेबर है वो पौध पटा पाएगी, लेकिन उन्होंने पटा के और लगा भी दी 7 गड़े और 3 छोड़ दिए थे। वो सुबह सुबह उठते से ही लगा दिए उन्होंने। 10 बजे तक हमारा ट्रैक्टर पहुँच गया था, उसमें पडलिंग कर दी है। तो आज हम जल्दी नहीं जा पाए, आज हम थोड़ा सा देर से चल रहे हैं और फटाफट से लेके चलते हैं आपको खेत पे और देखते हैं अभी कितना काम हो गया है। ठीक है, और दूसरे खेत में पानी भी शुरू करना था तो वो भी कर दिया है। और अभी हम लेके चलेंगे महिंद्रा अर्जुन नोवो को, बहुत दिन से रखा हुआ है, साफ़ सुथरा दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे रखा हुआ है, इतनी सी भी कीचड़ नहीं लगी, आग लग जानी है इसमें। और इसी से चलेंगे, इसी से वापस आएंगे। तो भाई ट्रैक्टर हो गया रेडी और अभी अपन चलते हैं। बहुत दिन से रखा हुआ है, डीजल पता नहीं कितना होगा इसमें, वो भी देखना है। बाकी चमकदार शानदार, ये अपने चाय और पानी रख लिया है और डिस्पोजल भी रख लिए हैं जो कि हम लेबर को देंगे। अभी देखो दोस्तों, रीडिंग जो है, रीडिंग को रीसेट कर देते हैं, 14.8 है ये, 0.0 कर दिया है। इससे हमें पता चल जाएगा हमने आने जाने में कितना टाइम वेस्ट किया। फोर व्हील गियर पहले से ही लगा हुआ है। तो बिना देरी करे निकालते हैं ट्रैक्टर को बाहर। भाई ट्रैक्टर में डीजल कम है, थोड़ा डीजल डलवा लेते हैं। एक 170 में टक कर रहा हूँ, सन्नी लगी है भैया, इसीलिए यहाँ पे स्क्रैच कितने आ गए थे वो वहाँ पे। तो भाई डीजल डल गया और अब चलते हैं खेत की तरफ। भैया अभी आ गए अपन नहर पे और आज यहीं से जाएंगे, इसी रास्ते से। और ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से कोई ट्रैक्टर गया ही नहीं है, ऐसा ना हो कि अपन फंस जाएं। तो भाई नहर पे पहुंच गए, यहाँ से मैंने दे दिया ट्रैक्टर प्रमोद को और आराम से ही चलना, बहुत ज़्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है। और धुला धुला है ट्रैक्टर हमारा, हो रहा है गंदा। इस रास्ते से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से गए नहीं है रास्ते में, किस किस की धान लग गई है वो पता चल जाएगा हमको, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है क्योंकि हम गए ही नहीं है। तो भाई साहब अभी यहाँ से ना रास्ता बहुत ख़राब हो गया है और मैं नीचे आ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति बनेगी जब ट्रैक्टर इस भयंकर कीचड़ में से निकलेगा। यही वो जगह है जब हम महिंद्रा को खींच के ला रहे थे और बम्पर हमारा टेढ़ा हो गया था, इसी जगह पे।
रास्ते हुए हमें खेत तक जाना है। ये देखो और सामने एक सोनाली का जो है नहर में फंस गया है। हम चल रहे हैं धीरे धीरे, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अब ऊपर की तरफ चढ़ा रहा है। चलो जल्दी चलो, तमाशा देखेंगे, मजा आएगा मजा। अरे चढ़ा लिया भाई, उसने सब चढ़ा ही लिया। देख उड़ेगा, जल्दी चलो। और सामने देखो, इस तरफ से इस तरफ उचकाया उसने। तो भाई साहब बारिश आ गई है हल्की हल्की। कल हमने बहुत उम्मीद की कि आ जाएगी, लेकिन कल नहीं आ पाई, आज आ गई बारिश। अभी तो हल्की हल्की है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें अच्छी बारिश मिल सकती है। अच्छा यार गिर जा, बहुत जरूरत है पानी की। ये देखो थोड़े थोड़े छींटे गिर रहे हैं अभी। तो भाई साहब हम आ गए खेत पे, जहाँ पे अपन ने मशीन से लगाई थी धान, और इसमें हो गई थोड़ी सी पानी की कमी, इसलिए पानी चल रहा है, मोटर चल रही है। ये देखो भाई, सबसे ज़्यादा पानी की कमी आई थी बीच वाले कड़ा में, और उसी में चल रही है। तो भाई खेत में गड्ढा ना हो इसके लिए देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था, पाइप के मुंह पे जो है बोरा बांध दिया है, इससे खड्डा नहीं होगा, एक नंबर तरीका है। देखो ये तो चटक सी गई थी यार। तो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं कि कल जिसमें हमने मोटर छोड़ दी थी, अब वो जो है भर गया होगा और मचा भी दिया है उसको। भर गया होगा क्या, भर ही गया था और मचा दिया, और उसमें लग रही है धान। ठीक है, तो आपको लेके चलते हैं खेत पे, और कितनी धान लग गई है उसमें वो दिखाते हैं। ये देखो ये हमारा पुराना रास्ता, मोटर निकाल के डाल रहे हैं। आओ और सामने वाले खेत में लग रही है धान, और ट्रैक्टर आप वहीं लेके जाएंगे। अच्छी बारिश हो गई होती ना तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ये जो पाइपलाइन दिख रही ना, कल रात को हमने इसमें छोड़ी थी और पानी इसमें सफिशिएंट भर गया था, तो आज ये दिन में लग गया है। वो तीन वहाँ छूट गए थे वो भी लग गए, बाकी पानी इसमें भर गया है, और आज रात भर में ये हो जाएगा कंप्लीट। ये दिख रहा है वहाँ तक हो जाएगा, तो इसको भी मचा देंगे। तो भाई साहब यहाँ पे ये वाला टुकड़ा हो गया कंप्लीट, और सबको चाय भी पिला दिए, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस घर की तरफ, क्योंकि इतना पानी हमारे पास है नहीं कि हम व्यवस्था बना पाएं, इसे थोड़ा थोड़ा करके ही लग रहा है। जैसे कि अभी लाइट चली गई, अगर लाइट होती तो बहुत पानी हो जाता। ये वाला तो आधा भर गया है, रात भर में ये हो जाएगा तो कल इसमें लग जाएगी। बाकी नीचे की तरफ हमारी धान काफ़ी कुछ लग चुकी है। तो भाई साहब नहर के रास्ते पर हम चले जा रहे हैं वापस धीरे धीरे, इतनी सुस्ती के साथ जा रहे हैं ना, क्या बताएं। दूसरे गियर में बिल्कुल स्लो स्पीड में, क्योंकि पूरे नहर पे हर जगह पे कीचड़ नहीं है, कहीं भरा हुआ है पानी, कहीं पे खाली है। जैसे कि यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तेज चलाएंगे ना, ये देखो दचके लग रहे हैं बहुत, ये समस्या है, इसलिए हम बहुत धीरे जा रहे हैं। जो नॉमिनल RPM है उसमें चल रहे हैं दूसरे गियर में। ओके, अब जहाँ कीचड़ आएगी वहाँ पे अपन तीसरा डाल लेंगे या RPM बढ़ा लेंगे। बस यहाँ से लेके विदिशा तक ये वाली जो टगर है ना, मतलब ये वाले जो खेत हैं, बस इन लोगों ने लगा ली है, और किसी की धान नहीं लगी है। बाकी देखो खेत काले पड़े हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। इसके आगे जितना अपन जाएंगे ना, सब ने लगा डाली, क्योंकि सबके पास ट्यूबवेल है और अच्छा पानी है। अपने इधर तो खंतिम पानी भी है, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो दोस्तों हम जा रहे थे सीधे सीधे विदिशा की तरफ, और यहाँ देखो यार बहुत बड़ा सांप वो जा रहा है, वो उधर से निकला और वो हमको देख के भागा, और वो देखो लपेट के भाग रहा है, कितना बड़ा सांप है।
अरे यार वो तो उस तरफ निकल गया, वो पाइप में घुस गया अंदर, मुझे लगा ऊपर आएगा वो तो भाग लिया। तो दोस्तों ये जो पाइप है ना इसके अंदर वो घुस गया है और अब वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, निकल के इधर भी आ गया हो कोई बड़ी बात नहीं, पानी में दिख तो नहीं रहा। तो भाई साहब इस चीज़ से ये साबित तो होता है कि सांप भी इंसानों से डरते हैं, ठीक है ना। इंसान डरता है क्योंकि वो काट लेगा, लेकिन वो भी पहले अपनी सुरक्षा लेके भागने का ही प्रयत्न करते हैं, फिर बाद में स्थिति ऐसी बन जाती है कि भाई वो अपने सेल्फ डिफेंस में काट लेते हैं, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन जब तक उनको मौका मिलता है कि भाई निकलने में फ़ायदा है तो वो लोग भाग लेते हैं। यहाँ देखो अब पूरी धान लग चुकी है और बहुत दिन हो गए क्योंकि ये हरे भी हो गए खेत, ये देखो ये कम से कम 15 दिन पुरानी धान है ये। तो भाई खेत पे से आने के बाद थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है और ये कीचड़ में हो गया, नीचे नीचे से हुआ है क्योंकि बहुत धीरे धीरे गए थे हम, ऊपर से सही है, थोड़ा पानी मार देंगे तो ये कीचड़ निकल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है।